राजगढ़ जिले में अवैध शराब के विक्रय व परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में जिले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस कप्तान द्वारा समय समय पर कार्रवाई करने के लिए समस्त थानों को आदेशित भी किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरएस दंडोटिया में एसडीओपी सुश्री किरण अहिवार के निर्देशन में अलग अलग टीमें बनाकर लगातार दबिश भी दी जा रही है। इसी तारतम्य में 1 दिसंबर को थाना सुठालिया पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गुड़ेर जोर प्रतीक्षालय के पास में एक लाल रंग की मोटरसाइकिल से अवैध शराब परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। आरोपी अशोक चंदेल की मोटरसाइकिल पर रखी प्लास्टिक के बोरों को चेक किया तो उसमें 8 पेटी शराब होना पाई गई है। वहीं प्रत्येक पेटी में देशी मदिरा प्लेन शराब के 50-50 क्वार्टर व कुल कीमती 32,000 रुपए की मिले हैं। आरोपी से उक्त शराब के परिवहन के बारे में वैध लाइसेंस का पूछा तो कोई भी जवाब नहीं दिया गया। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।